हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल मूवीज एक्सप्लेनो पर। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मिस्टर मंक की श्रृंखला का बेहतरीन एपिसोड, मिस्टर मंक गोज टू द एसाइलम। मिस्टर मंक से कुछ ऐसी गलती हो जाती है अपनी दिमागी प्रॉब्लम की वजह से कि वो पागल खाने पहुँच जाते हैं। अब देखिए पागल खाने में वो क्या कारनामा करते हैं। तो मेरे साथ दोस्तों बने रहिए, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंग जी अपने फिलहाल रूम पर हैं, रसोई घर में हैं, कुछ सामान लेके आए हैं बाज़ार से, सब्जी वगैरह, और सोच रहे हैं बढ़िया सा शाम को खाना बना के रात को आराम करेंगे। और आप जानते ही हैं मंग जी कितने सफाई पसंद आदमी, हर काम हिसाब से करते हैं, सलीके से करते हैं। तो उनको कुछ सामान नहीं मिल रहा है तो वो सरवना को फ़ोन लगा देते हैं कि सरवना हो सकता है बता दे, कि सरवना भी बार बराबर उनके घर पे आ जा चुकी हैं। तो सरवना को कॉल लगाते हैं तो वो बताती है कि उस अलमारी में है, बगल के अलमारी में, जो बगल के अलमारी में देखते हैं वो तो पापकार की मशीन नज़र आती है। सरवना कहती है कि अब पापकार की मशीन तो आपके पास नहीं है। तो उसके दिमाग में आता है सरवना के कि आप फटाफट उस रूम से निकल लो क्योंकि वो आपका रूम नहीं है और तुम गलती से उस रूम में चले आए हो। और मंग जी बहुत घबरा जाते हैं और सच में वो जल्दबाजी में किसी और के रूम में घुस गए हैं। अभी मंग जी बात कर ही रहे थे तो मंग को भी एहसास हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और किसी और के रूप में झटके में घुस गए हैं। और तभी पुलिस आ जाती है, उस घर के ओनर पुलिस लेके आ जाते हैं कि कौन पागल आदमी उनके घर में घुस के खाना बनाने के फिराक में है। और ये अमेरिका देश है दोस्तों, यहाँ कानून से बढ़ के कोई नहीं है। अगर राष्ट्रपति की भी लड़की शराब पी के गाड़ी चलाते पकड़ी गई तो वो उसको 6 महीना जेल होना ही है। अब मिस्टर मंक आ गए हैं अपने सहायिका सरावना और अपने पर्सनल साइकाटिस्ट मिस्टर क्रोगर के साथ, और उनको 48 घंटे की रिव्यू पर रखा जाएगा। अगर 48 घंटे में उनका व्यवहार और उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है तो वो वहाँ से फिर रिहा हो जाएंगे। और ये जो काला सा आदमी आपको दिख रहा है इसका नाम है ओलिवर, अफ्रीका अफ्रीकन मूल का आदमी है। ये दिखने में बड़ा खतरनाक है लेकिन वास्तव में ये बड़ा खतरनाक है ही, ये आपको आगे पता चलेगा। अभी सरोना जो है कुछ ज़रूरी बातें बता रही हैं ओलिवर को, जो कि मेल नर्स है, कि आपको स्पेशल जो है ध्यान ध्यान देना पड़ेगा मंक जी, नहीं तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनका कहना है कि स्टार शेप्ड वो फव्वारे से तो नहाते हैं, और दूसरी बात है कि किसी से हाथ वगैरह मिलाएंगे अगर वो, तो वो भीगे हुए टिश्यू पेपर से उनको पोंछना पड़ता है हाथ अपना। और तीसरा, रात को वो 5 वाट के बल्ब जला के सोते हैं, नाइट बल्ब है। अगर वो बल्ब 5 वाट से ज़्यादा का होगा तो उनको नींद नहीं आने वाली है। ये सब कह के बड़े दुखी मन से वो चली जाती हैं। अभी हमारे डिटेक्टिव साहब मंक खड़े हैं, मतलब आ गए हैं। यहाँ के जो मेन साइकाट्रिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मोरिस लैंकेस्टर, मैं उनको जो है डॉक्टर मोरिस करके ही बुलाऊंगा पूरे एपिसोड में। तो डॉक्टर मोरिस के पीछे दीवार पे एक मछली बनी हुई है और हमारे मंक जी जो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि आप मछली के शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और पिछले ही महीने आप मेक्सिको गए थे मछली के शिकार के लिए। ये सुन के इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, यार तुमको कैसे मालूम? बोला, मेरे को लग रहा है तुम्हारे बाह में कांटे का छेद लगा हुआ है। दूसरी बात, आप मेक्सिको से शिकार लेके आए हो, उस पर डेट लिखी हुई है। तो ये सब सुनते ही जो है मोरिस का दिमाग ख़राब हो जाता है, कहता है कि भाई तुम यहाँ अपना जासूसी मत करो, समझ गए, अपने काम से काम रखो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर छुट्टी नहीं देने वाला हूँ फिर मैं। अब उनको ओलिवर अंदर ले जाता है और मंग को बोलता है ये देखिए कम्युनिटी बाथरूम है। तो मंग कहता है क्या इसमें सभी जाते हैं? तो ओलिवर बोलता है हाँ, उसमें क्या परेशानी है, आपको भी इसमें जाना होगा। ये पूरा थोड़ा बहुत उनको घुमाता है तो मन का दिमाग तो ख़राब हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई पसंद आदमी है और सबके साथ वो कैसे इसमें जाएंगे।
अभी मंक जी मन मार के आ गए हैं हॉस्पिटल, और उनके यहाँ पे उनको यहाँ पर एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम रहता है जॉन। वो भी पहले डिटेक्टिव रह चुका है, उसके साथ भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। ये काम ही ऐसा है, सोचते सोचते आदमी का दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। वो पूरे हॉस्पिटल में उनको घुमा रहा है, उनको ले जाता है कम्युनिटी हॉल ले जाता है, उसके बाद जो है जहाँ दवाइयाँ मिलती है वहाँ ले जाता है। बोलता है कि यहाँ पे किसी का मर्डर हो चुका है, इससे पहले जो हेड थे उनका मर्डर हो चुका है, इसके बाद ही मोरिस जी जो है विराजमान है। उसके बाद जो वो ले जाता है जो पुराने पुराने हेड की फ़ोटो दिखाता है कि ये सब हेड रह चुके हैं। अब बड़ा मन को आश्चर्य होता है कि यहाँ भी मर्डर हो चुका है। तब तो फिर अब और अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया, फिर तो खूनी को पकड़ने में फिर मज़ा आएगा। अभी हमारे जो है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मोरिस जो हैं सभी मरीजों को कुछ काम दे दिए हैं। उनका कहना है कि आप को जो अपने अंदर दिखता है उसकी पोर्ट्रेट बनाओ, उसकी एक तस्वीर बनाओ। आपको क्या महसूस होता है, आप हो क्या? तो सभी मरीज लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कोई बना ही रहा है, लेकिन हमारे मंक जी बहुत परेशान हैं, कुछ बना उना नहीं रहे हैं। अब उनके हाथ में थोड़ा सा क्या पेंट लग गया, बहुत परेशान हो गए हैं। एक लेडीज़ का तो दिमाग ख़राब हो गया, बोला ये आदमी जो है कह रहा पानी लाओ ये लाओ, इनके हाथ में पेंट लग गया है, सबका खोपड़ी ख़राब करके रखे हैं। अब वहीं पे एक आदमी है मैनी, वो अजीबो गरीब इंसान है, उसको हर जगह सांता क्लॉज ही दिखता है, उसको सांता क्लॉज के सपने आते हैं। वो रात को खिड़की से बाहर जगता है तो छत पे उसको सांता क्लॉज दिखता है। और मोरिस उससे पूछता है कि इस फोटो में तुम कहाँ हो? वो बोलता है ये जो छोटा सा लड़का है इसके सांता क्लॉज के पैर के पास खड़ा वही मैं हूँ, क्योंकि कोई सांता क्लॉज से बड़ा हो ही नहीं सकता। सांता क्लॉज जो है सबको खुश रखते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। अभी जो है कुछ कन्वर्सेशन चल रही है और सभी जो है पेशेंट बैठे हुए हैं, और डॉक्टर मोरिस भी जान के साथ बैठे हुए हैं, और क्योंकि जान ने थोड़ा पुराना है तो डॉक्टर मोरिस उसी के साथ बैठे हुए हैं। और मंग भी एक बैठे हुए हैं उनके बगल में, एक जो लेडीज़ बैठी हुई हैं, और मैनी चमने चार पांच लोग सब बैठे हुए हैं। तो मोरिस बोलते हैं डॉक्टर मोरिस की मंक अपने बारे में बताओ। तो मंक जी अपने पत्नी के बारे में बताते हैं कि उनकी पत्नी भी वैसा ही हार पहनती थी जैसा उनके बगल में बैठी लेडीज़ पहनती है। इससे उनका लेडीज़ भड़क जाती है, बोलती है मैं यह हार आपको नहीं देने वाली। तो सब हंसने लगते हैं। अभी बातचीत हो ही रही थी तब से मैनी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि मैं भी बोलूँगा, मैं भी बोलूँगा। तो डॉक्टर मोरिस बोलते हैं बोलो। बोलता है कि कल मैं रात को सांता क्लॉज को देखा, सांता क्लॉज जो है छत पे घूम रहे थे, और मैंने उनकी फ़ोटो भी ले ली, उधर कैमरा पड़ा हुआ था। ये सुन के डॉक्टर मोरिस बोलते हैं ठीक है फ़ोटो डेवलप होने दो फिर देखते हैं। अभी मैनी मंक को लेके अपने रूम पे आ गया है, और ये क्या उसका पूरा रूम तो सांता क्लॉज के फ़ोटो व चित्रों से भरा पड़ा है। और ये मैंने भी अजीब गरीब इंसान है। उसके बाद वो मंग को दिखाता है कि मैंने खिड़की के रास्ते छत पे चिमनी के पास सांता क्लॉज को देखा था। मंग भी ध्यान से देखता है तो देखता है कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो है फंसा हुआ है लोहे के टुकड़े में। मंग बोलता है वो क्या चीज़ है? वो शायद उसके कपड़े का टुकड़ा है। तो मैनी जाता है उसके बाद उसके लाल लाल रंग के कपड़े के टुकड़े के लेके चला आता है और बोलता है चलो डॉक्टर मोरिस को दिखाते हैं। मंग कहता है अभी नहीं, अभी और सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो हम मिलके जाएंगे डॉक्टर मोरिस को ये सारे सबूत दिखाने। अभी हमारे डिटेक्टिव मंक जी एक डेमो कर रहे हैं। अब उस जब उस टाइम हेड ऑफ हॉस्पिटल का जो है मर्डर हुआ, तो उस टाइम का वो डेमो कर रहे हैं। उनको डेमो करने से मालूम होता है कि उस टाइम के हालात क्या थे, उस टाइम जो है मर्डर क्या सोच रहा होगा या उससे क्या सबूत छूटा होगा। तो वो उनके दिमाग में एक बात आती है, अपने जेब से पुराने कागज़ की कतरन निकालते हैं, देखते हैं कि जो है डॉक्टर साहब जो जिनका मर्डर हुआ उनके ऊपर चाबियां पड़ी हुई हैं उनके शरीर के ऊपर। तो वो उनके दिमाग में ये बात आती है कि कोई चोर मान लो आता है मर्डर करता है दवाइयां चुरा के ले जाता है, तो वो चाबी छोड़ के क्यों जाएगा? मतलब पहले मर्डर किया फिर उनके जेब से चाबी निकाली, उसके बाद फिर वो चाबी निकाला दरवाज़ा खोला अलमारी का दवाई निकाला, तो वो तो अलमारी में भी चाबी छोड़ सकता है या अपने जेब में ले जा सकता है।
वो उनके ऊपर चाबी फेंक के क्यों जाएगा? इसका मतलब है कि ये कत्ल जो है इस अस्पताल के किसी आदमी ने ही किया है, जिसको इस अस्पताल की अच्छी जानकारी है और उसके पास पहले से ही चाबियां मौजूद थी। अभी मंग जी का डेमो चल ही रहा था तभी कहाँ कहीं से ओलीवार आ जाते हैं, कहते हैं क्या पंचायत हो रहा है, तुम लोगों को कोई काम दम नहीं है क्या? अभी उनकी शिकायत जो है पहुंच जाती है डॉक्टर मोरिस के पास। अब मोरिस मंक को बुलवा लेते हैं और बैठा के सब उसको धमकाने लगते हैं कि मैंने आपको मना किया था ना कि अपनी डिटेक्टिव गिरी यहाँ मत करना, ना बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ जाओगे। मैं आपसे बोला हूँ कि आप चुपचाप अपना काम कीजिए, आराम कीजिए। तभी जो वो लेडीज जेनी आ जाती है जिसके नेकलेस की जो है मंक तारीफ कर रहे, तो बोलती मेरा नेकलेस गायब हो गया, तुम ही नहीं लिया होगा क्योंकि तुम उसकी तारीफ कर रहे थे। मंक जी बोलता है कोई ज़रूरी थोड़ी है, तो मोरिस बोलता है कि इसकी जेबें चेक करो, मंक जी अपनी जेबें चेक करिए। तो मंक जब जेबी चेक करता है तो एक जेब से निकलता है, क्योंकि मंक जी को फंसाने के लिए किया गया है ताकि वो परेशान रहे और यहाँ से उसको छुट्टी ना मिल सके। अभी अगले दिन जो है मंक की सहायिका सरावना भी आ जाती हैं और डॉक्टर मोरिस उनके खूब कान भरते हैं, बोलते हैं कि मंक का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको यहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, इनको भ्रम हो रहा है और हर जगह अपना डिडिक्टिव वाला माइंड लगा रहे हैं और सब पे जो है शक कर रहे हैं। और देखिए इन्होंने क्या क्या बनाया है ड्राइंग में, फर्जी वो ड्राइंग दिखाते हैं कि वो किसी को कत्ल करके कब्र में जो है दफन कर रहे हैं और दुनिया भर के उसके कान भर देते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहुत लंबा जाएंगे। अभी जो है डॉक्टर मोरिस मंक की तो बहुत शिकायत कर देते हैं कि मंक का दिमाग सही नहीं है, उनको भ्रम हो रहा है, सब पे शक कर रहे हैं, सबको कातिल समझ रहे हैं। इतना सुनते सुनते जो है मंक भी जो है गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास सबूत है कि उनका मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाला इसी अस्पताल में है, और मैंने और वो सांता क्लॉज का भेष बना के रात को कुछ ढूंढता रहता है अस्पताल की छत पे। कहता है चलो ठीक है मैं वो सबूत दिखाता हूँ, लेकिन वो लाल कपड़ा वो बहुत ढूंढते हैं अपनी कोट के जेब में, पैंट के जेब में, बिस्तर के नीचे, पागलों की तरह ढूंढते हैं मंक जी, लेकिन वो नहीं मिलता। वो घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सरावना कहती है जाने दो सरावना को, वो मंक जी मंक बोलते हैं देखो उसको कौन से जूते पहने हुए, ऐसे जूते पहने हैं कि छत पर वो छटके ना, छत पर स्लिप ना करे, और दूसरे उसके जूतों में देखो कालिक लगी हुई है क्योंकि वो वहाँ चिमनी में थोड़ा बहुत कालिक इधर उधर गिरती रहती है। तो सरोना कहती है शांत हो जाओ मैं कुछ करती हूँ। अभी सरोना बहुत परेशान होके अस्पताल से आई हैं क्योंकि उनको मनाही हो गई कि अब आप मंग जी से नहीं मिल सकते हैं, या तो आप लेटर लिखिए या फिर फ़ोन कीजिए ताकि जो है मंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए। ये मोरिस की चाल है। अभी वो मोरिस के बारे में जानना चाहती हैं तो एक लाइब्रेरी आती हैं, मोरिस की कुछ थीसिस वगैरह रिसर्च पड़ी हुई है और उनसे पहले जो मर्डर हुआ है उनकी रिसर्च पड़ी हुई है। तो एक जगह देखती है कि दोनों का किसी रिसर्च पे विवाद था, आपस में झगड़ा था, तो वो समझ जाती हैं कि इसी विवाद के चक्कर में मोरिस ने उनको रास्ते से हटा दिया गया होगा और वो मंक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मंक बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने रूम में आराम कर रहे हैं कि उनको मनाही हो गई है कि अब जो है उनसे कोई मिल नहीं सकता, सरोना भी नहीं, सिर्फ या तो फ़ोन आएगा या लेटर आएगा, और उनका सबूत उनसे खो गया, वो जो कपड़ा था कपड़े का टुकड़ा था सांता क्लॉज का उससे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी दूसरे दिन क्या होता है कि सरोना आती हैं उनकी वाइफ का बड़ा सा फ़ोटो लेके जिसमें कुछ गुप्त संदेश लिखे हैं, एक चमकने वाली स्याही जो रात को चमकती है जो उनके पुत्र ने बताया था यूज़ करने को। तो मंग जी घबराहट में रात में ही उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है रात में ऑफिस पहुंच जाते हैं, मोरिस के कुछ छानबीन करने लगते हैं और तभी मोरिस आ जाता है। अब मोरिस कहता है अब तुम्हारी खैर नहीं, अब बहुत मुसीबत में तुम पढ़ने वाले हो। मंग को अब काल कोठरी में डाल दिया गया है क्योंकि वो मोरिस के कमरे की जांच पड़ताल कर रहे थे, कुछ कागज़ वगैरह ढूंढ रहे थे। अभी मोरिस
ओलिवर के साथ आ गया है काल कोठरी में उनको इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ओलिवर डोज बना रहा है, डबल डोज है। वो बोलता है डबल डोज से नहीं, डबल का डबल कर दो। मोरिस चाहता है कि मंग पागल हो जाए और किसी लायक न रहे और उनकी गवाही भी मान्य न रहे और आगे की कार्रवाई कुछ कर ना पाए। लेकिन अभी मोरिस मंग को जानते नहीं हैं। जब ओलिवर गया डबल का डबल डोज लेने दवाखाना में, उसी बीच मंग ने अपने आप को आज़ाद करा लिया। और जब ओलिवर आया उनको इंजेक्शन लगाने, तो धोखे से उसने ओलिवर को ही काल कोठरी में बंद कर दिया और भाग के मैनी के रूम में पहुंच गया जो उसका दोस्त है। अभी मंक मैनी के रूम पे आ गए हैं। उन्होंने पहले सरोना को कॉल किया और बोला कि आप पुलिस को बुला लो, आज डॉक्टर मोरिस की जो है पोल खुल जाएगी कि मर्डर डॉक्टर मोरिस ने ही किया है। और तभी मोरिस सांता क्लास का भेष बना के हाथ में धागा और मछली मारने वाला कांटा लेके आ जाते हैं। अब चिमनी में डाल के कुछ ढूंढने लगते हैं। होता यह है कि जब उन्होंने अपने सीनियर का कत्ल किया डॉक्टर मोरिस ने, तो घबराहट में पिस्तौल को उन्होंने चिमनी में फेंक दिया। अब कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ अस्पताल में, और अगर अगर वो पिस्टल किसी का हाथ लग जाता है तो बहुत बड़ा जो है सबूत बन जाएगा। इसलिए वो डेली आते थे सांता क्लास के भेष में, ताकि मैनी को लगे कि सांता क्लास आ रहे हैं। और जब मैनी बोलेगा कि मैं सांता क्लास को देखता हूँ, तो लोग कहेंगे ये पागल है, उनका कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो आज भी डॉक्टर मोरिस आए हैं और इत्तेफाक से वो पिस्तौल उनको मिल जाता है। अभी मंक भी आ गए हैं छत पे, स्लोपी छत है, और जो है डॉक्टर मोरिस सांता के भेष में बंदूक लेके खड़े हो गए हैं। और मंक के पीछे जो है मैनी भी लगे हुए हैं, वो सांता को देख के पागल हो जाते हैं। तो वो मना करता है मैनी को कि मत आओ, तो भी आता है, वो स्लिप कर जाता है। फिर भी मंग ने उसको थाम रखा है। अब मंग के ऊपर वो मोरिस वो पिस्तौल तान देता है, लेकिन दो बार फायर करने के बावजूद भी बंदूक चलती ही नहीं। तो मंग कहता है भाई ये काफ़ी दिन से पड़ी है, ये जो है धुआं खा के ख़राब हो चुकी है, अब ये तुम्हारे काम की नहीं है। ऐसे सुन के दिमाग खराब हो जाता है। तभी नीचे से पुलिस आ जाती है और इनको जो है डॉक्टर मोरिस को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है अपने सीनियर के कत्ल के जुर्म में। और मंक यहाँ भी कामयाब हो जाते हैं, अस्पताल में भी एक पुराने केस को हल कर देते हैं फ्री में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मंक का ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा जो आपको यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे मंक साहब घर पे आ गए हैं, आराम से सोने की तैयारी में हैं, लेकिन उनको जो है शक है कि वो अपने घर में हैं कि दूसरे के घर में हैं। तभी वो सरोना को कॉल करके फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि सरोना बताओ मैं कैसे मानूं कि मैं अपने घर में हूं। तो सरोना बोलती हैं कि आपके बगल में एक तस्वीर है आपकी और आपकी वाइफ की। तो मंक ने बोला हाँ, कहा तो बस ठीक है, बेफिक्र होकर आराम कीजिए और ज़्यादा जो है सोचिए मत। और मंक जा रहे हैं सोने के लिए, हो सकता है कल कोई नया केस मिल जाए सुलझाने के लिए।